अमरावती शहरातील मनपा हद्दीतील रामपुरी कॅम्प प्रभागातील बाबा कॉर्नर ते सिंधी चौक हा मार्ग अनेक वर्षांपासून खराब झाला असून या रस्त्यावर येरदाने करणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते। अशातच या मार्गावर अनेक अपघात सुद्धा झाले आहे। रस्त्याच्या कडेला घाणीचे साम्राज्य मोठ्या प्रमाणात असल्याने स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याला सुद्धा धोका निर्माण होत आहे। यावर मनपा प्रशासनाच्या स्वच्छता अधिकारी व उपायुक्त डॉक्टर सीमा नेताम यांना त्यांच्या पदावरून त्वरित हटवून अमरावती शहराला वाचवा, तर बाबा कॉर्नर ते सिंधी चौक हा या परिसरातील मुख्य रस्त्याचे असल्याने या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय, शाळा तसेच व्यापारी वर्ग, नागरिकांची ये जा असल्याने हा मार्ग सतत चालू राहत असते। या रस्त्यासंदर्भात अनेक संघटना, पक्षांनी तसेच स्थानिक नागरिकांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन दिले, तरी सुद्धा या रस्त्याचे काम सुरू झाले नसल्याने वंचित बहुजन आघाडी पक्षाच्या माध्यमातून स्थानिक बाबा कॉर्नर चौक येथे 7 नोव्हेंबर पासून आशिष लुला यांच्या नेतृत्वाखाली अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे। या अन्नत्याग आंदोलनात आशिष लुला, सुलभा अडकणे, रिया भुयार, सूरज गवई, अमरदीप खराळे, सूरज हासानी, दिनेश हरणे, निखिल शेंडे यांनी मनपा प्रशासनाच्या विरोधात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे। प्रवीण झुलेकर, विदर्भ न्यूज, अमरावती। अमरावती का प्रमुख मार्ग यह केएल कॉलेज रोड बनाओ व जनता को बचाओ। विषय नंबर 2, आरोग्य अधिकारी उपायुक्त मनपा डॉक्टर सीमा नेता मैडम को हटाओ, अमरावती बचाओ। वारंवार इन दोनों विषयों पर जिलाधिकारी को व मनपा आयुक्त को कई बार निवेदन दिए गए, फिर वो वंचित बहुजन आघाड़ी परिवार हो चाहे बाकी संगठनाएँ हो, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई इन किसी भी प्रशासकीय कार्यालय के तरफ से ना ही राज्य सरकार के तरफ से की गई है। इसी के विरोध में तीव्र आंदोलन के रूप में वंचित बहुजन आघाड़ी आज इस आंदोलन अन्न त्याग पर बैठा हुआ है। इससे पहले भी जिलाधिकारी मैडम को हमने लेटर सौंपते समय, आयोग को लेटर सौंपते समय कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि इस दोनों विषय पर ठोस कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमको कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे हमारी जान को जोखिम हो सकता है। इसीलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी इस आंदोलन पर बैठी है। जब तक ये आंदोलन पूरा नहीं होता, वंचित बहुजन आघाड़ी अपने अन्यतक आंदोलन से उठेगी नहीं। सामने अर्थी पड़ी हुई है मेरी, या तो मुझे इस अर्थी पर लेटा के शमशान भूमि में ले जाए, या तो फिर मेरा जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी।